आज से ठीक दो दिन पहले 29 जनवरी को बेंगाबाद में एक भीषण सड़क हादसा हुआ था। समाधान इंडिया ने भी इस खबर को बड़े ही प्रमुखता से आप लोगों के बीच पेश किया था और इस सड़क दुर्घटना में मोहम्मद अलाउद्दीन मियां को गंभीर चोट लगी थी। आपको बता दें कि बेंगाबाद के बाबा मिष्ठान भंडार के पास एक कार ने अलाउद्दीन मियां के बाइक में जबरदस्त टक्कर मारी थी, जिसके बाद बाइक तो वहीं गिर गया लेकिन अलाउद्दीन मियां को कार ने अपने साथ तकरीबन 500 मीटर तक घसीटा, लेकिन तब भी अलाउद्दीन मियां की सांसें चल रही थी। आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन कल उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की सूचना पाकर आपको बता दें कि बेंगाबाद के खुटरी बात के वो रहने वाले थे। जब इनकी मौत की सूचना सभी लोगों को मिली तो आज खुटरी बात के ग्रामीणों ने बेंगाबाद थाना पहुंचकर मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की। इस दौरान थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा ने तत्काल पुलिस जन सहयोग समिति के कोष से 10,000 रुपये मृतक के परिवार वालों को दिया, साथ ही हर संभव मदद एवं विधि संगत कार्रवाई करने की बात कही। सूचना पाकर गांडे विधानसभा के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद भी आज अलाउद्दीन मियां के परिवार वालों से मिले और उन्होंने परिवार वालों को ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद करने की बात कही है। समाधान इंडिया ने इसकी एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे आप देखें। बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए भीषण सड़क हादसे में कल खुटरी बाद निवासी मोहम्मद अलाउद्दीन मियां की मौत हो गई। वो 65 साल के थे। आपको बताते चलें कि मोहम्मद अलाउद्दीन मियां 29 जनवरी को अपने बाइक में सवार होकर कर्णपुरा से अपने घर खुटरी बाद जा रहे थे। इस दौरान बेंगाबाद के बाबा मिष्ठान भंडार के पास एक कार ने अलाउद्दीन मियां के बाइक में जोरदार टक्कर मारी। बाइक घटनास्थल पर ही गिर गई परंतु अलाउद्दीन मियां कार के निचले हिस्से में फंस गए और कार ने अलाउद्दीन मियां को तकरीबन 500 मीटर तक घसीटा, लेकिन तब तक अलाउद्दीन मियां की सांसें चल रही थी। लेकिन कल धनबाद के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। उनकी मौत की खबर सुनते ही खुटरीबाद के लोग आज बेंगाबाद थाना के समीप अलाउद्दीन मियां के शव का आने का इंतजार कर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे। कई लोगों का कहना था कि अगर उचित मुआवजा प्रशासन की ओर से नहीं मिलता है तो सड़क जाम कर दिया जाएगा, लेकिन बेंगाबाद थाना प्रभारी की सूझबूझ एवं चपुआडी मुखिया मोहम्मद शमीम, गांडे विधानसभा के युवा कांग्रेस अध्यक्ष हसनैन आलम, मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रदेश सचिव मोहम्मद जैनुल अंसारी के नेतृत्व में प्रशासन से वार्ता की गई। इस दौरान बेंगाबाद थाना प्रभारी ने विधि संगत कार्रवाई करने की बात कही, साथ ही इस मामले में मृतक के परिवार को तत्काल पुलिस जन सहयोग समिति के कोष से 10,000 का सहयोग किया गया। इधर सूचना पाकर गांडे विधानसभा के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद भी अलाउद्दीन मियां के दाह संस्कार में शामिल होने कब्रिस्तान पहुंचे और मृतक के परिवार से मिलकर हर संभव मदद करने की बात कही। बहरहाल बेंगाबाद में जिस तरह से सड़क हादसे हो रहे हैं और न सिर्फ बेंगाबाद बल्कि अन्य जगहों में भी जिस तरह सड़क हादसे हो रहे हैं, ऐसे में हम सभी को जागरूक रहने की जरूरत है, साथ ही यातायात के नियमों का भी पालन करने की जरूरत है ताकि ऐसे हादसे ना हों। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया। इस वक्त हमारे साथ गांडे विधानसभा के युवा नेता हसनैन आलम जी हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, चूंकि अलाउद्दीन हमें लगता है कि पूरे बेंगाबाद में जिस तरह से सड़क दुर्घटना हो रही है, हमें लग रहा है कि बेंगाबाद में आज तक ऐसी घटना नहीं हुई थी कि 500 मीटर तक कोई व्यक्ति को घसीट कर ले गया हो, काफ़ी हृदय विदारक घटना है, इस बीच में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये चूँकि इस तरह की घटना जो है ये बहुत ही अमानवीय है, इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। उसी के संदर्भ में जो है हम लोग यहाँ पे बेंगाबाद थाना प्रभारी से आज वार्ता किए हैं। उन्होंने हर संभव हम लोगों को मदद का आश्वासन दिया है और अभी तत्काल में पुलिस जन सहयोग समिति के द्वारा 10,000 रुपया अपना एक क्रियाक्रम करने के लिए दिया गया है और आगे भी चूँकि पहले जो है एक्सीडेंटल केस हुआ था, अब वह जो है 304 में बदलने का आश्वासन भी दिए हैं और जैसे भी होगा विधि सम्मत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। यहाँ पर चपुआडी के मुखिया मोहम्मद शमीम भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मांग करते हैं, चूँकि थाना प्रभारी की तरफ से भी आश्वासन मिला है, पुलिस जन सहयोग समिति के तरफ से भी कुछ सहयोग राशि प्राप्त हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे ये जो घटना हुई ये बहुत निंदनीय घटना है, इस तरह से घटना बेंगाबाद में डेली हम लोग सुन रहे हैं और हो रही है, उस पर भी जरा सा प्रशासन का निगाह होना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि आज पूरे खुटरीबाद के तमाम लोग आए हुए थे, तो अभी हम लोग थाना प्रभारी से जाके बात किए तो थाना प्रभारी ने आश्वासन दिए कि ठीक है, हम लोग जो है सो जहाँ तक होगा जो सरकारी प्रक्रिया है हम लोग पूरा मदद करेंगे और उसमें जो भी केस जो बनता है उसका वो हम लोग करके
और प्रशासन से जो मदद मिलता है वो हम लोग कोशिश करेंगे, और जन पुलिस जन सहयोग समिति के द्वारा वो 10,000 रुपया भी तत्काल कार्यक्रम करने के लिए वो दिए और बोले कि और जहाँ तक जो सहयोग लगेगा हम देंगे। सर, आज मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी जिनकी मृत्यु हो गई सड़क दुर्घटना में, पुलिस के द्वारा भी आश्वासन मिला है क्या करिए? 29 तारीख को घटना घटी थी, मोहम्मद अलाउद्दीन मोटरसाइकिल से जा रहे थे जिसमें एक कार चालक के द्वारा दुर्घटना करने के बाद उसे घसीट करके कुछ दूर तक ले जाया गया था। इलाज के क्रम में गिरिडीह सदर अस्पताल से उन्हें रेफर कर दिया गया था, बेहतर इलाज के लिए परिजनों के द्वारा सरकारी अस्पताल ले जाया गया था। उसमें आवेदन मिला था, उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की गई थी, प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई थी, और आज कल सूचना मिला था कि मैंने उनकी मृत्यु हो गई है चिकित्सा के क्रम में। आज कुछ लोग थाना पर पहुंचे थे, इस तरह आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, इस पर उन्हें आश्वासन दिया गया कि जो विधि सम्मत कार्रवाई है कार्रवाई की जाएगी, और प्राथमिकी में मृत्यु के कारण से संबंधित जो भी धारा सूचना का धारा 304(1) का होता है वह उसमें जोड़ा जाएगा, और मृतक के परिजन को पुलिस जन सहयोग समिति की ओर से 10,000 रुपया उन्हें सहयोग राशि के रूप में प्रदान की गई प्रदान कर दिया गया है।